कानपुर कार्रवाई का अंदाज बदलने से बदलाव आएगा ये तो तय था, लेकिन ये बदलाव अपने ही आंकड़े को तोड़कर प्लैटिनम रिकॉर्ड की तरफ बढ़ जाएगी ये नहीं पता था। पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीणा के निर्देशन में कार्रवाई कर रही पुलिस ने गुरुवार को 75 लाख नकद बरामद करने के साथ ही 45 किलो चांदी भी पकड़ ली। पकड़ी गई नकदी और चांदी के बारे में विधिक कार्रवाई चल रही है। अभी फिलहाल जांच चल रही है, जब भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको अवगत कराएगा। सर लगातार जिस तरीके से लोग पैदल लेकर कैश जा रहे हैं या ई रिक्शा ले जा रहे हैं, तो फोकस क्या बड़ी गाड़ियों के साथ साथ इन सब पर भी है? देखिए पहले जब ये जो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक स्क्वाड से जब हम चेकिंग कर रहे थे, इनिशियली तो हम सोच रहे थे कि बड़े बड़े गाड़ी, क्योंकि इनका मॉडल ऑलरेडी पहले बड़े गाड़ियों में उनके ये जो पीछे गाड़ी के डिक्की में रखे जाते थे, लेकिन हम भी सोच रहे थे कि जब हमें नहीं मिल रहा था तब समझ गए कि कहीं ना कहीं छोटे गाड़ियों में जैसे स्कूटर्स हो गया, एक्टिवा हो गया, ई रिक्शा हो गया, वैसे जा सकते थे। जब हमारे हमारे जो स्ट्रैटेजी हमने जब बदला है उस पर हमें उससे हमें ज़्यादा रिजल्ट्स मिलने लगे, तो आप भी देख सकते हैं कि करीब एक हफ्ते से जितने भी बरामदगी हो रहे हैं वो छोटे छोटे व्हीकल्स में ज़्यादातर पे हो रहा है, स्कूटर्स में, एक्टिवा में, ई रिक्शा में। तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं वो भी अपना स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं, उसी स्ट्रैटेजी के आधार पर हम भी अपना जो चेकिंग है वो चेंज कर रहे हैं।